हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है या अलाइनर पेशेंट्स के लिए है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि उनको डाउट होता है कि मैंने मेरा अलाइनर नहीं डाला, 6 दिन हो गए या 15 दिन हो गए, अभी मैं क्या करूँ, तो उसका या उससे क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली अलाइनर ट्रीटमेंट या ब्रेसेस ट्रीटमेंट, कौन सा भी ट्रीटमेंट जब आप करते हैं जिसमें दांतों का मूवमेंट होता है, उसका एक बेसिक मैकेनिज्म होता है। आपके दांत ये बोन में होते हैं और वो बोन को डायरेक्टली अटैच नहीं होते, उसके बीच में एक लिगामेंट होता है, उसको बोला जाता है पीडीएल, पेरियोडोंटल लिगामेंट। सो ये पेरियोडोंटल लिगामेंट के ऊपर दांत जब आप अलाइनर डालते हो तो प्रेशर पड़ता है। 2 तरीके के प्रेशर होते हैं। सपोज मुझे दांत को इस डायरेक्शन में मूव करना है तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से पीडीएल कॉम्प्रेस होता है और जहाँ पे वो कॉम्प्रेस होता है उस साइड पे बोन रिजॉर्प्शन होता है, यानी बोन का कटिंग होता है। अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो पीडीएल स्ट्रेच होता है। अभी दांत का मूवमेंट इस साइड पे करना है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होता है, उसकी वजह से इस साइड पे बोन डिपोजिशन होता है। ये बोन रिजॉर्प्शन या डिपोजिशन का प्रोसीजर होता है, उसकी वजह से दांत एक पर्टिकुलर मूवमेंट कर पाता है, पर वो मूवमेंट उस जगह पे स्टेबल करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं। सपोज़ किसी का टूथ मूवमेंट चल रहा है तो ये ग्रेजुअली होता है, स्टेज 14 को थोड़ा हुआ, स्टेज 15 को थोड़ा हुआ, पर वो पर्टिकुलर पोजीशन में दांत को फिक्स होने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं। इसीलिए एवरी ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद या अलाइनर के ट्रीटमेंट के बाद यूजुअली रिटेनर्स एडवाइस किए जाते हैं ताकि दांत उस पर्टिकुलर पोजीशन में स्टेबल हो जाए, उसके अराउंड जो बोन है जो सॉफ्ट होता है वो फुल्ली मिनरलाइज हो जाए। तो इसलिए रिटेंशन का फेज मिनिमम 6 मंथ्स का होता है एंड मोर देन 1 ईयर 2 डिपेंडिंग ऑन द केस वो चलता है। तो इसकी वजह से सपोज़ आप 15 स्टेज ऑफ अलाइनर पे हो और आपने वो डाला ही नहीं, 6 महीने या 6 दिन या 10 दिन हो गए आपने वो डाला नहीं क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे, मिस हो गया, कुछ तो हुआ, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, जब आप घर पे जाओगे और वापस 15 स्टेज डालोगे, देर आर वेरी गुड चांसेस कि 15 स्टेज अलाइनर बैठेगा नहीं क्योंकि दांत का थोड़ा सा रिलैप्स हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो प्रीवियस सेट ऑफ अलाइनर है वो ट्राई करके देखना है कि वो बैठ रहा है या नहीं। ये ट्राई करते वक्त आपको अलाइनर्स को कहीं पे भी फोर्स नहीं करना है, नॉर्मल ट्राई देना है, बैठ रहा है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 70% केसेस में वो बैठ जाता है। अगर वो नहीं बैठता तो एक प्रीवियस सेट, उसके आगे वाला, सपोज 15 वाला आपने डाला था जो अभी नहीं बैठ रहा है, फिर 14 ट्राई किया, फिर एक 13 ट्राई करके देखो, वो भी आराम से अगर बैठता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको एक अपॉइंटमेंट सेट करना होता है आपके डेंटिस्ट के साथ या ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ ताकि वो आपको गाइड कर सके आगे क्या करना है। तो ये मोस्ट कॉमनली होने वाली चीज़ें हैं। अगर आपने नहीं डाला अपना अलाइनर तो वो नहीं बैठता तो आपका प्रीवियस सेट आपको ट्राई करना है, वो भी नहीं बैठ रहा है तो उसके पहले वाला पर फोर्स मत करो, अदरवाइज अलाइनर टूटने के चांसेस होते हैं। और वो भी नहीं बैठ रहा तो आपको आपके डेंटिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। सो मेरा चैनल लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।